पूरा दिन लगा दिया ऑफिस में आप। हाँ यार काम था। आपको क्या जरूरत पड़ी है काम करने की? क्यों, मुझे क्यों जरूरत नहीं होगी काम करने की? इतना बड़ा बिजनेस है आपका, हजारों लोग आपके नीचे काम कर रहे होंगे, आपको तो सिर्फ हुक्म चलाना होगा, है ना? हुक्म चलाना भी काम ही होता है। वैसे भी अगर तुम चाहती हो कि मैं सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास बैठ जाऊं तो बता दो। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? होगा तो वही जो आप चाहेंगे, आपकी अम्मी चाहेंगी। क्या हुआ सिला, क्यों मूड खराब है? पूरा दिन अकेले बैठूंगी इस कमरे में तो मूड ही खराब होगा ना। वैसे भी यहाँ मुझसे कोई भी बात नहीं करता। I understand यार, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, but you'll be alright। पर मुझे तो वक्त नहीं लगता, और वैसे भी मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। वक्त तो आपकी माँ बहन को लग रहा है। ऐसी बात नहीं किया करो सिला, उनको भी तो अपना समझो जैसे मुझे अपना समझती। मेरी जिंदगी में जहाँ आप हैं वहाँ और कोई नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब मैं चेंज कर लूँ। अच्छा सुने, एक सरप्राइज था आपके लिए। वो एक न्यूज चैनल से कॉल आई थी, वो हमें मॉर्निंग शो में बुलाना चाह रहे हैं। और कितना अच्छा लगेगा ना जावी जब हम दोनों साथ टीवी पर आएंगे। नहीं सिला, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्यों नहीं जा सकते हम? सिला ऑलरेडी बहुत तमाशा क्रिएट हो चुका है, और मजीद है। समझ गए। आंटी ने आपको पहले से ही बता दिया है ना? हाँ, और वो ठीक है। तुम क्यों चाहती हो किसी मॉर्निंग शो पे बैठ के हमारी बातें हो? तो इसमें बुराई क्या है? मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ और मेरी फैमिली की सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को किसी टॉक शो का हिस्सा बनने नहीं दे सकता। बाबा गए थे एमजी चाचा के पास? हाँ गए थे वो। बाबा कहाँ हैं? कमरे में अंदर ही।